जब भी हम कोई रैकेट खरीदने जाते हैं, मेनली इंटरमीडिएट प्लेयर्स जो शौकिया खेलते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जनरली, और उनका जो बजट होता है मैक्सिमम 1500 से 2000 के बीच में ही होता है। ऐसे केस में उनके पास प्रॉब्लम आती है कि भैया ऐसा कौन सा रैकेट लिया जाए जो ब्रांडेड भी हो, ड्यूरेबल भी हो और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। खासकर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आपके हाथ में कंफर्टेबल हो, ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्का हो, और रैकेट की कटिंग भी लगभग इतनी कर ली जाए कि कम से कम आपको खेलने में मज़ा आए। दूसरी चीज़ ड्यूरेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि भैया जिसका बजट 1500 से 2000 के बीच में है, वो ऐसा तो है नहीं कि हर 30 कुछ दिनों बाद तोड़ता रहेगा। वो रैकेट टूटना बहुत दिक्कत वाली बात होती है क्योंकि बजट पूरा खराब हो जाता है और नया रैकेट लाना फिर उस पर हाथ सेट करना बहुत टफ हो जाता है। तो आज मैं आपके सामने जो तो रैकेट लेके आया हूँ वो मैं काफ़ी दिनों से खेल रहा हूँ, कई महीने हो गए, और मुझे वो रैकेट बहुत पसंद आया। वो रैकेट है आपका लीनिंग का सुपर लाइट 3700 जी फोर्स। ये रैकेट मुझे बहुत ही पसंद आया। क्यों? पहली चीज, ये आइसोमेट्रिक शेप में है, ओवल लग रहा है लेकिन कहते हैं आइसोमेट्रिक में है, लेकिन मुझे ये ओवल शेप में ही लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे खास। खाल जी फोर्स 3700 ये अप्रॉक्स जो है 78 ग्राम्स के आसपास का आता है। तो जब आप इसको यूज करते हैं ना तो ये आपको ज़्यादा भारी लगेगा और ना ही ये आपको हल्का लगेगा। वैसे तो ये हेड हैवी है लेकिन कुछ जो रैकेट होते हैं वो हेड हैवी ज़्यादा होते हैं, आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो, हेड हैवी स्मैशिंग में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको ड्रॉप खेलना है और आपको स्लोप खेलना है तो हेड हैवी थोड़ा सा दिक्कत करता है, खासकर सिंगल्स में हेड हैवी थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। लेकिन इसलिए ये हेड हैवी है लेकिन बहुत ज़्यादा हेड हैवी नहीं है, इसलिए बड़ा ही अच्छा कंफर्टेबल लगेगा आपको। अब मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ, जब मैंने पहली बार इस रैकेट को लिया फर्स्ट टाइम, तो मैंने इसको क्या करा, एक्चुअली लीनिंग के जितने भी रैकेट्स आते हैं ज़्यादातर में जी फोर, ये होती है जी फोर होती है, यानी कि थोड़ी सी पतली होती है यूनिक्स के रैकेट से। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत से लोगों के हाथ में कंफर्टेबल नहीं बैठता, मेरे हाथ में नहीं बैठता, मुझे थोड़ी सी मोटी, ना ज़्यादा मोटी ज़्यादा पतली ग्रिप चाहिए। मैंने इसकी ग्रिप में सिंपली जो 50-60 रुपए की जो ग्रिप आती है नॉर्मली वो लगाई, मैंने खेलना शुरू किया, मुझे बहुत दिक्कत हुई, मतलब मुझसे खेल ही नहीं जा रहा था, समझ में ही आता कि रैकेट खराब है, मुझे लगा रैकेट ही बेकार है, इसका बैलेंस ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास दूसरा रैकेट था, मैं उससे सिंपली खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, ठीक खेल रहा था, मेरा गेम ठीक था, लेकिन मैं इससे नहीं खेल पा रहा था क्योंकि मैंने इसमें सिंपली सिंगल जो ग्रिप होती है वो पड़वाई थी। इसके बाद फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कि चलो थोड़ी सी मोटी करके देखते हैं, तो मैंने इसमें पहले ग्रिप हटाई, उसके बाद टेप लगाया, मतलब जो मैंने ग्रिप लगाई थी वो हटाई, फिर उसके ऊपर एक सिंगल टेप की लेयर लगाई जो आपका बिजली वाला टेप होता है वाली, देन उसके ऊपर वाली जो ग्रिप है 50 से 60 रुपये में जो मिलती है वो लगाई, फिर मैंने खेलना शुरू किया, लेकिन तब भी वही दिक्कत आई। मैं सोच रहा था ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इससे नहीं खेल पा रहा हूँ। फिर मैंने अपने पुराने रैकेट को देखा, उसमें ये टॉवल ग्रिप लगी थी, तो मैंने इसमें क्या करा, सारी ग्रिप हटाई, मतलब इसकी ओरिजिनल छोड़ के सारी ग्रिप हटाई, सिर्फ टॉवल ग्रिप लगाई, फिर खेलना शुरू किया, मैं तब भी इतना कंफर्टेबल नहीं खेल पा रहा था। तो फिर मैंने फिर और कोशिश करी, कहते हैं ना हिट एंड ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं तो आपको सफलता मिलेगी। फिर मैंने एक और ट्राई किया, पहले इसकी जो ओरिजिनल ग्रिप थी उसके ऊपर एक टेप लगाया, यानी कि एक टेप की एक सिंगल लेयर लगाई, उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये लीनिंग की, समझ रहे हैं ना, लीनिंग का जो टॉवल ग्रिप होती है वो लगाई। आप लोगों को एक काम कर सकते हैं, बिना किसी टेप लगा के आप इस रैकेट पे अगर मोटी ग्रिप रखना चाहते हैं तो योनेक्स की टॉवल ग्रिप लगाइए। योनेक्स की टॉवल ग्रिप लीनिंग की टॉवल ग्रिप से हमेशा मोटी होती है और काफी मोटी होती है, तो थोड़े दिनों में जब वो एक दो दिन में जब वो थोड़ी सी पिचक जाएगी तो आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा। अब मैं लीनिंग की टॉवल ग्रिप ले चुका था, अब मैं फिर से आके योरेक्स की लेता, इसको फेंक देता, तो ये आई लगता है यार 100-150 रुपये की आती है, 150 रुपये की, तो
तो इसीलिए मैंने क्या करा, नीचे एक टेप की लेयर लगाई, उसके ऊपर लेने के लिए ये टॉवल क्लिप लगाई और देन प्ले करना शुरू किया। रियलिटी बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि इससे बेटर रैकेट कोई है ही नहीं। मज़ा आ गया मुझे खेल के, मतलब बहुत कंफर्टेबल मुझे खेलने में ये लगा। और मैं काफ़ी समय से खेल रहा हूँ, मैंने इसमें जो कट पढ़वाई है वो भी लीनिंग की नंबर 5 पढ़वाई है, 24 के साथ में, 24 इसकी वो रखी मैंने LBS में, और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। थोड़ा मेरे गेम में भी इम्प्रूवमेंट आया है इसी वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस रैकेट में, अगर आपके हाथ थोड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को ग्रिप ऐसे पकड़ते हैं, है ना, तो अगर आपके हाथ थोड़े से बड़े हैं, कुछ लोगों को पतली ग्रिप चाहिए होती, कुछ को मोटी चाहिए होती है, अगर आप स्मैशर हैं तो आपको 100% मोटी ग्रिप चाहिए, और 100% जो स्मैश खेलता है अच्छे उसके लिए मोटी ग्रिप चाहिए ही चाहिए। तो आप ऐसा करिए, सिंपली आप इस रैकेट को खरीदिए, योनिक्स की टॉवल ग्रिप लीजिए और इसमें बेक ऑफ होके लगाइए, मजा आ जाएगा आपको खेल के, लगेगा हाँ सच में कुछ दम है रैकेट में। ड्यूरेबिलिटी में मैं 100-100 मार्क्स देना चाहूँगा, बहुत टकरा चुका है, हम लोग डबल्स खेलते हैं, अब खेलने में सभी लोग होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, तो जरूरी नहीं कि आपका गेम ठीक है तो दूसरे का गेम भी उतना अच्छा है, जरूरी नहीं कि आपकी कंपेटेबिलिटी दूसरे के साथ अच्छी बन रही है, दूसरा अच्छा है आप अच्छे नहीं है, तो कंपेटेबिलिटी का कभी कभार हो जाता है कि रैकेट टकरा जाती है, लेकिन टचवुड कर लेता हूँ मैं, अभी तक तो ऐसी दिक्कत नहीं आई कि टूटने की। अकेले मेरे नहीं, बहुत से नए दोस्त हैं, उनके बाद भी सेम एक्सैक्ट रैकेट लिया हुआ है उन्होंने, और उन्हें भी बहुत मजा आ रहा है खेलने में। इसकी शेफ्ट देखिए कितनी वो है, बहुत ही फ्लेक्सिबल शेफ्ट है, इसकी पतली शेफ्ट है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मतलब आप जब खेलेंगे तो आपको अलग ही इसमें मजा आएगा शेफ्ट में खेलने में। बहुत ड्यूरेबल है शेफ्ट, बहुत फ्लेक्सिबल है, बैलेंस बहुत अच्छा है, ना ही हाई बहुत हेड हैवी है, ना ही टोटल बैलेंस्ड है, हल्का सा हेड हैवी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 2000 के अंदर रैकेट लेना है तो आज आप इस रैकेट को ले सकते हैं, बहुत अच्छे से खेलिए, मज़ा आएगा आपको खेलने में, इसकी स्ट्रेंथ देख के मज़ा आएगा आपको, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ ही दिन में आप अपने गेम में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे, है ना। ये है लीनिंग का G-Force 3700 सुपर लाइट। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ नई वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।